बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अस्तर वाले सूट के ऊपर लुप्स वाला गला शेयर करूंगी, उसकी मुकम्मल वीडियो, मुकम्मल डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये है शर्ट, शर्ट मैंने आपके सामने खोल ली है, और ये है अस्तर वाला सूट। अस्तर वाले सूट के ऊपर हम लुप्स वाला गला किस तरह बनाएंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, और उसके ऊपर जो बटन लगेंगे यानी कि पोटली बटन लगेंगे वो हम इस कढ़ाई से बनाएंगे। इसके ऊपर जो कढ़ाई के फूल आ रहे हैं उनसे हम ये पोटली बटन बनाएंगे। मैंने ये बटन तैयार कर लिए। इस वीडियो में मैं आपको ये बटन बनाना भी सिखाऊंगी कि कढ़ाई वाले कपड़े से मैंने ये पोटली बटन किस तरह बनाकर रेडी किए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। अस्तर वाले सूट में जब हमें गला बनाना होता है तो सबसे पहले हमें बीच में रफ स्टिच करना होता है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी लाइनिंग वाला जो गला है कभी भी बेहतर नहीं बनेगा। जो लॉन कॉटन के होते हैं वो तो हम इजीली बना लेते हैं, तो इसके बीच में मैंने रफ स्टिच कर ली है। इसका जो सेंटर था उसको प्रेस से आधोआध करके ऐसा आप सबने लाजमी करना है। तो अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो मैंने सारे पोटली बटन बना लिए हैं, मगर आप सबको सिखाने के लिए तीन बटन मैंने इसमें स्किप कर दिए हैं, वो मैं दिखाऊंगी आपको कि ये बटन बनाकर हम किस तरह रेडी करेंगे जिससे हमारे ये धागे नहीं निकले और एक मजबूत बटन बनकर तैयार हो जाए। तो ये है कढ़ाई वाला कपड़ा, इसके नीचे मैंने सेम कलर के बटन रेडीमेड मंगवाए हैं, ये आपको किसी भी सिलाई वाली शॉप से इजीली मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर हम इस फैब्रिक को इस तरह रखेंगे, मगर इससे पहले बता दूं कि अगर आप सेम कलर का कपड़ा यूज़ करेंगे, सेम कलर के बटन परचेस करेंगे तो आपका जो बटन है बहुत ही नीट बनेगा। अगर आप इस तरह कोई मिसमैच बटन यूज़ करेंगे तो वो फिर अंदर से इस तरह नुमाया होगा, अंदर का शेड मालूम होगा। तो आपने सेम कलर का ही बटन मंगवाना है और इसको इस तरह नीचे रखना है और इसको सेट करना है आपने। और ये बटन आप लोग सिंपल ड्रेस पर भी लगा सकते हैं, कोई भी कढ़ाई वाले बटन बना ले और अपने सिंपल सूट पर बना ले तो ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है डिज़ाइन। इसे हमने इस तरह मजबूत पकड़ना है और इसका थ्रेड इसी के कलर का लेना है जिससे हम अपना सूट स्टिच करेंगे। अगर हम मिसमैच थ्रेड इस्तेमाल करेंगे तो वो नीचे से दिखाई देगा। इसे थोड़ा सा टाइट करके आपने लपेटना है, तकरीबन 3 से 4 बार आपने इस तरह लपेटना है और फिर इस तरह बल देकर इसको एक गिठान लगानी है और धागे को खींचना है। तो ये हमारा बटन रेडी है। अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। हम इसका जो कपड़ा कट करेंगे बिल्कुल इसके साथ कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा गैप से कट करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके निकल रहे धागे, अगर हम इस तरह अपने ड्रेस में लगाएंगे तो इसके धागे नुमाएं होंगे। इसे हम नीट करने के लिए इस लाइटर की मदद से इनको जला देंगे, इससे आपका जो बटन है मजबूत हो जाएगा। ये लीजिए, ये हमारा पोटली बटन बनकर रेडीमेड रेडी हो गया है। इसी तरह मैंने सारे बटन बनाए हैं। अब अपना गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए हमें लेना होगा एक बुकरम का पीस। मैंने बुकरम का पीस निकाल लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 19 इंच। मैं इसके ऊपर बनाऊंगी बोर्ड नेक गला, इसीलिए मैंने इसकी चौड़ाई 5 इंच रखी है। अगर आप लोग नॉर्मल गला बनाएंगे तो आप लोग 4 इंच रखेंगे। तो एक निशान मैं लगाऊंगी 4.25 इंच का, दूसरा निशान भी 4.25 इंच का, और एक निशान लगाऊंगी मैं इसका 4.5 इंच का। और इसकी स्लिट का निशान लगाएंगे 18.5 इंच पर। इस बुकरम को हम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चल के हमारे ये यूज़ में आएगा। और ये गला मैंने कट कर लिया है, अब हम इसे किसी एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपका देंगे। ये हमारा गला, गले की जो हमारी गुलाई है इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे।
हम लूप्स लगाएंगे गुम सिलाई के साथ। बीच का सेंटर बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर खाली सिलाई लगाई है, इससे हमें बीच का सेंटर इजीली मालूम होगा। इसका सेंटर बनाने के लिए मैंने इसके बीच में खाली सिलाई लगाई थी, तो ये हमारा सेंटर बन गया है। अब इसके बीच में हम चौकिंग करेंगे, जितने इंच पे हमें लूप्स लगाने हैं। तो ये है गले का एंड, यानी कि यहाँ से हमारी गले की राउंड शुरू हो रही है, तो हम अपना इंची टेप यहाँ पर रखेंगे और हमने एक एक इंच के गैप से लूप्स लगाने हैं। और लूप्स हम बैक साइड पे लगाएंगे, यानी कि गुम सिलाई से लगा रहे हैं। पूरी पट्टी पे मैंने लूप्स लगा ली हैं, अब एक्स्ट्रा लूप्स को कट कर देंगे। अब इस रफ स्टिच के ऊपर हम एक और स्टिच लगा लेंगे गले को अटैच करने के लिए। अब इसे हम कट करेंगे। तो ये देखें, सारे लूप्स मैंने गुम सिलाई के साथ लगाए हैं। तो प्रेस मैंने कर ली है और मैंने लूप्स को बाहर निकाल दिया है। अभी हम इसे तुरपाई नहीं करेंगे, इसी तरह खुला छोड़ेंगे। तुरपाई से पहले हम लगाएंगे बटन टेक पट्टी और वो भी गुम सिलाई के साथ लगाएंगे। हम इसके ऊपर सिलाई शो नहीं करेंगे, तो इसीलिए पहले बटन टेक पट्टी लगेगी, उसके बाद इसे तुरपाई करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगी। बटन टेक पट्टी बनाने के लिए मैंने लिया एक बुकरम का पीस, जिसकी लंबाई है 13.5 इंच और जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। इसे एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर हम चिपकाएंगे।
अब इस तरह हम अपनी बटन टेक पट्टी को नापेंगे और एक लूप्स छोड़कर इस दूसरे लूप्स के ऊपर निशान लगाएंगे, इसे हम ओपन छोड़ेंगे। अब इस पट्टी को इस तरह हम खोलेंगे। अपनी बटन टेक पट्टी का जो सीधा साइड है हमारा, इसको हम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। मैं आपको फिर खोल के दिखाऊं, इस पट्टी को, गले वाली पट्टी को सीधा रखेंगे और इस बटन टेक पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह। और नाप के सिलाई लगाना हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये बटन टेक पट्टी हम गुम सिलाई के साथ लगा रहे हैं, इसकी सिलाई हमारी कमीज के ऊपर शो नहीं होगी। तो ये लीजिए, हमारी बटन टेक पट्टी भी लग गई और हमारी कमीज़ के ऊपर सिलाई भी नहीं आई है, ये घुम सिलाई के साथ लगी है। और ये देखिए सिलाइयाँ हमारी नीचे हो गई। अब हम इसे तुरपाई करेंगे। तो एक साइड से तो हमने घुम सिलाई से कमीज़ को अटैच कर लिया है, अब हम इसे इस तरह पकड़ेंगे। ये आपने थोड़ा सा समझना है, समझने का बस फ़र्क है, वरना बनाना बहुत आसान है। इस पट्टी को इस तरह हम पलटेंगे, इन लूप्स को अंदर की साइड पे करेंगे और इस सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए माशाल्लाह, हमारे गुम सिलाई के साथ बटन टेक पट्टी भी लग गई है, लूप्स भी आ गए हैं और कहीं ऊपर सिलाई शो भी नहीं हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पोटली बटन जो मैंने रेडी किए थे। तो पोटली बटन हम लगाएंगे, सबसे पहले हमें इस लूप्स को, यानी कि जो हुक है, इसे इस तरह हम थोड़ा सा ओपन करेंगे, क्योंकि हम फिक्स वाले लगा रहे हैं, पोटली बटन ओपन वाले नहीं लगा रहे। तो इनको इसके अंदर इस तरह पहनाएंगे। जब ये इस तरह फिक्स हो जाएगा, ये देखिए इस तरह फिक्स होगा, उसके बाद हम अपनी निडल को कमीज में से निकालेंगे। और चार तह का धागा लेना है, इसको हम इस बटन में से निकाल के दोबारा सुई नीचे ले जाएंगे और इस तरह मैं चार तरह से पक्का करूंगी, फिर बटन में से सुई लेकर नीचे ले जाएंगे, इससे आपका बटन बहुत मजबूत लगेगा। तो ये लीजिए, इतना मजबूत बटन लग गया है। अब इसे हम दो तीन टाके से और मजबूत कर देंगे नीचे से, मगर इन सारे बटनों में हम अपना धागा कट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका साथ साथ बटन हमने लगाने हैं, तो इसीलिए हम अपना धागा कट नहीं करेंगे, क्योंकि गैप नहीं है। अगर हम अपना धागा कट करेंगे तो हमारा जो बटन है वो लूज़ हो जाएगा। इसी के बराबर में से हम सुई को दोबारा से निकाल लेंगे और इस
लूप्स के अंदर सेम उसी तरह इस बटन को पहनाएंगे। इसी तरह मैं पूरी पट्टी के बटनों को लगा दूंगी। ये लीजिए, तो फाइनली मेरे सारे पोटली बटन कंप्लीट हो गए। मैंने इन्हें लगा लिया है और देखें कितने मजबूत लगे, उनकी लुक कितनी नफीस है। बहुत ही डिसेंट और बहुत ही सुफियाना ये ड्रेस लग रहा है और इसमें कहीं पर भी कोई झोल वगैरह नहीं है। पूरा गुम सिलाई के साथ मैंने ये गला बनाया है और इसके ऊपर जो पोटली बटन लगाए हैं वो भी आपके साथ शेयर किए हैं। ये है इसकी फाइनल लुक। आप सबने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज का ये ड्रेस और आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा। आई होप अच्छा लगा हो और आपने सीखा हो। ये हमने जो गला बनाया है ये है शेफून के ड्रेस के ऊपर। आपको इस चीज़ का आइडिया दिया कि शेफून के ड्रेस के ऊपर हम इस तरह के गले किस तरह बनाएंगे और उन्हें किस तरह नीट करेंगे, क्योंकि ये जो लाइनिंग वाले हमारे ड्रेसेस होते हैं इनके ऊपर सिलाइयाँ अच्छी नहीं लगती, इनके ऊपर सुफियाने डिज़ाइन ही अच्छे लगते हैं। तो ये है इसकी कंप्लीट लुक। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आपने बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डिज़ाइन नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।